हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विन आईएएस की यूट्यूब चैनल पर। और अभी हमारी जो रैपिड रिलीज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम देखने वाले हैं यूनिट सेवन। यूनिट सेवन में आपको भी पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत के टॉपिक दिए हुए हैं। तो हम अगर इस यूनिट को ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा सिलेबस हमको इसी यूनिट में है, क्योंकि इसमें विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और बहुत सारे टॉपिक हैं तो पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पिछले 2 साल के पेपर दिए हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही सवाल पूछ रहा है। तो हम इस रैपिड रिलीज़ जो सीरीज़ है उसमें हम उन्हीं इम्पॉर्टेंट सवालों के फैक्ट फैक्ट देखेंगे। हो सकता है कि आपको इनमें से 2-4 सवाल सीधे परीक्षा में देखने को मिल जाएं। ये कुछ अम्ल हैं या एसिड है जो हो सकता है पूछ लें, क्योंकि पिछली बार उसने क्या करा था, एक सवाल पूछा था अगर आपको ध्यान हो कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो शरीर के किस अंग से निकलता है, तो उसका सही उत्तर था अमाशय। अब देख लीजिए इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले है दूध, कि भाई दूध में कौन सा अम्ल होता है। फटाफट, अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो या पढ़ाने का धीरे लग रहा हो तो आप YouTube की स्पीड बढ़ा के इसको फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट में हम बहुत सारे फैक्ट रिवाइज़ करने वाले हैं। तो आप देखिए दूध में कौन सा अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सवाल आएगा दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, तुरंत टिक करके आगे बढ़ना है। आंसू अगर पूछ लेता है, सियालिक अम्ल होता है, ठीक है। सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर मतलब जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या जो पैक्ड जो ड्रिंक्स होती हैं उनमें कौन सा अम्ल होता है, तो आप ध्यान रखें कार्बनिक। शराब और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखना है शराब और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। फिर उसके बाद आते हैं मक्खन, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, अगर सवाल आता है तो आप उसका सही उत्तर लगाएंगे ब्यूटेरिक अम्ल। पालक ध्यान रख लेंगे, पालक में एनिलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। टमाटर का पूछ देते हैं कि भाई टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, आप उसका सीधा सा उत्तर लगा के आएंगे कि टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल होता है और इसका लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण कई बार आ जाता है। जैसे सवाल पूछ सकता है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो अगर आपने पढ़ा है तो उसका सही उत्तर होगा हरित लवक या हरित वर्ण के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेब, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। गन्ने में एकोटोनिक अम्ल होता है। और चींटी, जब आपको चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल रिलीज़ होता है, ध्यान रखेंगे। तो एसिड के कुछ फैक्ट हैं, फटाफट आप इनको एक बार देख लेंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ एसिड आगे हैं, ठीक है। अब जैसे इमली और अंगूर, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल हो सकता है। ये जो मैं एसिड आपको बता रहा हूँ ये वो आपको महज़दा कॉलम में पूछ दे या डायरेक्ट उसको आपके ऑप्शंस में भी पूछ सकता है। गेहूं में ध्यान रखना है ग्लूटिक अम्ल होता है, गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, ग्लूटिक अम्ल, ठीक है। लहसुन प्याज में कौन सा अम्ल होता है, एनिलिक अम्ल होता है। घास में बेंजोइक अम्ल होता है। यूरिन में यूरिक एसिड होता है, यूरिन में कौन सा अम्ल होता है, तो यूरिन में यूरिक एसिड होता है। ये देखो आमाशय, ये आ गया, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, मतलब HCl। ये पिछली बार 2020 में जो MPPSC प्रीलिम्स हुआ था उसमें इनने ये पूछ दिया था कि भाई HCl शरीर के किस अंग से निकलता है, सही उत्तर था आमाशय। इसलिए मैंने आपको एक बार सारे एसिड जो है रिवाइज़ करवा दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ये इम्पॉर्टेंट टेबल है क्योंकि हमारे इस टॉपिक का ही नाम है विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है वो हम यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत भाई पूछ सकता है ना आपसे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप सीधा सा उसका उत्तर लगाएंगे कि स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है, बिल्कुल। उसके बाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक, पुस्तक भी पूछ सकता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है, तो आप उसका उत्तर याद रखेंगे डार्विन की है। और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी आपको डार्विन ने दिया है। उसके बाद आता है उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, ये लैमार्क ने दिया है, ठीक है। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, इसी सिद्धांत में बताया है कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई है। पहले जिराफ जो होता है आपको पता होगा उसकी गर्दन लंबी होती है, सबसे ऊंचा जानवर है, और हिरण दोनों सेम हाइट के थे,
लेकिन क्या हुआ, जिराफ ने अपनी गर्दन को इवॉल्व कर लिया है, तो वो सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने, एग्जाम्पल आता है। फिर उत्परिवर्तन का सिद्धांत मतलब म्यूटेशन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, म्यूटेशन, बहुत सारी जातियाँ म्यूटेट हो जाती हैं, जीन में उनके परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अनुवांशिकता के सिद्धांत मेंडल ने दिए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। अब पूछ सकता है कि अनुवांशिकता का पिता किसको बोलते हैं, तो आपको उसका उत्तर याद रखना है, मेंडल को अनुवांशिकता पिता बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं द्विनाम पद्धति, तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी है। जब कोई भी जाति की खोज होती है तो उसका हम नामकरण करते हैं, तो उसकी पद्धति किसने बताई थी, कैरोलस लीनियस ने, द्विनाम पद्धति, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, जेनेटिक कोड की खोज किसने करी थी, तो मार्सेल निरेनबर्ग ने करी थी, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वॉटसन और क्रिक ने, इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो है 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको पता होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ऐसा होता है, इसमें ये चार एसिड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो वो आप ध्यान रखेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। परमाणु संरचना किसने बताई है, तो परमाणु संरचना याद रखनी है, बोहर और रदरफोर्ड ने बताई है। परमाणु संरचना किसने बताई है, तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना बताई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे मेंडेलीफ की आवर्त सारणी, भाई मेंडेलीफ ने दी है, तो ये इसमें कितने तत्व थे, 63, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया है, तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया है, तो जूलियस, आपको याद रखना है, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो लेमेंतियर ने हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं सीधा सीधा क्यों बता रहा हूँ, अगर हम इन सिद्धांतों को समझने जाएंगे ना, तो उसमें आपको 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे, कि भाई अब बिग बैंग सिद्धांत अपने आप में पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी कैसे बनी, ग्रह कैसे बनी, ये बताता है, ठीक है, कैसे चीज़ें शुरू हुई। तो हमें अभी उस पर नहीं जाना, हमें याद रखना है कि जॉर्ज लेमेंतियर ने इस सिद्धांत को दिया है, क्योंकि अभी हमारा प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, हम सीधा फैक्ट याद करेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से अगर इस टॉपिक से कुछ सवाल मिलते हैं, हम उनका सीधा आंसर लगा के आएंगे। मेंस में ये इंपॉर्टेंट है कि अभी 3 नंबर में बिग बैंग आता है, तो फिर हम उसकी डिटेलिंग पे जाएंगे, अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर्कमिडीज़ का सिद्धांत, तो ये उनके नाम में ही है, आर्कमिडीज़ ने दिया था। इनमें उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ जो है वो क्यों तैरती है या क्यों डूब जाती है, इन्होंने द्रव्यों में बताया था, एक उत्प्लावक बल एक काम करता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। न्यूटन के नियम न्यूटन ने दिए थे, ध्यान रखना, 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में। न्यूटन के 3 नियम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के एग्जाम्पल्स आप ज़रूर देख लेना एक बार, कि कौन से नियम में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे पहले नियम में एग्जाम्पल है कि कोई यात्री बस में बैठा होता है, बस अचानक आगे चल पड़ती है, तो हम पीछे की ओर हो जाते हैं, ये पहले नियम का है। दूसरे नियम में कैच पकड़ते हैं हम, तो कैच में पीछे की तरफ हाथ ले जाते हैं, जिससे वो उसका फोर्स कम हो जाता है। तीसरे नियम में जो एग्जाम्पल हैं, हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है। नियम की परिभाषा मैं यह नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल आ सकता है आपको। आपको केपलर ने क्या दिया था भाई, तो ग्रहों से संबंधित नियम केपलर ने दिए थे, और पाश्चुरीकरण, ये नीचे लिखा हुआ है, ये लुई पाश्चर ने दिया था। आ जाओ, अब यहाँ से अभी तक मैंने आपको फैक्ट रिवाइज करवा दिए, अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, और इन ऑब्जेक्टिव को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमारी इस सीरीज़ का उद्देश्य है रिवाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद रखना, क्योंकि हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है अभी, जो तात्कालीन परिस्थितियाँ उनमें। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है कि अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। आपको प्रीलिम्स में जो आते हुए सवाल हैं, अगर वो गलत ना हो ना, तो आप डेफिनेटली मेंस लिखेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सरल सवालों को गलत कर देते हैं। कठिन सवाल सबके लिए कठिन होते हैं, लेकिन अब जैसे ये सवाल है, इसमें पूछा अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, भाई इसका सही उत्तर है मेंडल, मंडल लिखा है ये, इसको मेंडल कर लो आप, ठीक है, मेंडल। अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं, मेंडल को। इस तरीके के ईजी सवाल हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद हो, लेकिन इस सीरीज़ का उद्देश्य रिवाइज कराना, तो आप रिवाइज करते रहिए। डार्विन आपको पता ही है, इनने क्या दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनने किताब लिखी है, प्राकृतिक चयनवाद का इनने सिद्धांत दिया है, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
इनमें ये कहते हैं कि भाई अगर आप संघर्ष करोगे और उन संघर्ष में जीतोगे तो ही आप जीवित रह पाओगे, अन्यथा आप इस पृथ्वी पर नहीं रह पाओगे। डाल्टन ने क्या दिया था तो आपको पता ही है, परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। मैडम क्यूरी ने क्या बोला था, मैडम क्यूरी ने क्यूरी तापमान एक वो दिया था, क्यूरी तापमान, क्यूरी तापमान, क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ, कोई चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है, क्यूरी तापमान बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अनुवांशिकी के पिता किसको बोलते हैं, तो मेंडल को बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं सवाल, ठीक है, ये गैसों से रिलेटेड सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कि गोताखोरों के सांस लेने से संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। अब जिसने ये सवाल पढ़ा है केवल वही इसका उत्तर दे पाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ आपको नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन मिल सकती है। तो बताओ भैया इसका उत्तर क्या होगा, सीधा शॉर्ट एंड स्वीट इसका उत्तर है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम मतलब O2+HE, ऑक्सीजन और हीलियम, जो गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो वो पीछे एक सिलेंडर अपने बांध के ले जाते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, तो उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं दे सकते, ऑक्सीजन के साथ हीलियम देते हैं ताकि उनकी हड्डियों में कम दर्द हो। ऐसा माना जाता है कि नीचे आप जाते हो तो आपको जो पानी का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो केवल ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके साथ हीलियम मिलाते हैं तो आप आसानी से सांस ले पाते हो, गोताखोरों का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं कि भैया क्या है। अच्छा हाँ, इसमें और देख लो कि ऑर्गन जो है और नियोन जो है ये नोबल गैसेज हैं, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परमाणु सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है, बताओ भाई, परमाणु सिद्धांत के जनक, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, परमाणु सिद्धांत के जनक जो है जॉन डाल्टन को माना है। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे से छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, छोटे से छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इस परमाणु के अंदर ही आपको नाभिक मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, ये तीन चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ, नाभिक, नाभिक, इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाभिक की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखेंगे जे जे थॉमसन ने। फिर आ जाता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। फिर आ जाता है आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जेम्स चैडविक ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमको रिलेट करना है, अगर परमाणु के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक के बारे में भी एक बार देख लें, जिससे आपके सवाल सही हो जाए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। आर्किमिडीज के अनुसार, ये बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, यहाँ से एक मिनट, ये वाइट कलर का लेके, और से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे से खालिस्तान हो, कम हो, समान हो, अधिक हो, तो वस्तु डूबेगी। मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उत्प्लावक बल क्या होता है, इसको मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, जैसे सपोज़ करो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें कोई पानी पानी है, पानी मान लेते हैं कि कंटेनर में पानी है। अब इसमें ऊपर की तरफ एक बल लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल, ठीक है, बोयोंसी फोर्स बोलते हैं इसको। अब क्या होता है, जैसे कोई इसमें हमने मान के चलो एक नाव बना लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें, मान के चलो एक नाव है जो इसमें तैर रही है। अब क्या होगा, उत्प्लावक बल जो है वो यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है, और इस वस्तु का भार जो है मतलब ग्रेविटेशन जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब इसमें आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये वस्तु कब तैरेगी, जब इस उत्प्लावक बल का मान, एक्चुअली इनने क्या बोला है, डूबेगी,
इनमें डूबेगी, मतलब ये वस्तु कब इसमें डूबेगी। अब देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है भार जो कि ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, और एक लग रहा है उत्प्लावक बल। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में उत्प्लावक बल का मान क्या होगा जिससे ये वस्तु डूब जाएगी। अब देखो अगर उत्प्लावक बल ज़्यादा है, मतलब यहाँ से आपको फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वस्तु तैरेगी। लेकिन अगर उत्प्लावक बल फोर्स जो है वो कम लग रहा है, इस बेट का जो नीचे की तरफ है वो ज़्यादा लग रहा है, तो वस्तु डूब जाएगी। तो उत्प्लावक बल का मान कम होगा, इसका सही उत्तर है कम होगा। हो सकता है आपको ये समझ आया हो, कुछ लोगों के ऊपर से भी जा सकता है। सीधा ध्यान रखना है, अगर उत्प्लावक बल का मान ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी, और उत्प्लावक बल का मान कम है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आ जाओ, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन के कौन से सिद्धांत का उदाहरण है। अभी मैंने बोला था भले ही आपको न्यूटन के सिद्धांत पता हो तीनों, तीसरा सिद्धांत क्या कह रहा है, प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो है कि बंदूक से हम गोली चला रहे हैं, हमने सामने की ओर गोली चलाई और उसके बाद बंदूक ने पीछे की ओर हमें धक्का दिया, तो ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम का क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है। इसमें जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जिस पे जितना फोर्स लगाएगा इक्वली वो है उस पे सेम फोर्स रिपीट करेगा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको बोलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर का भार अधिकतम कब होगा? बिल्कुल, ये विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत का जो टॉपिक है उसमें जो जो चीज़ें आई हैं उसमें से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारा जो बॉडी वेट है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, बताओ कहाँ पे ज़्यादा होगा बॉडी वेट। तो देखो बॉडी वेट ध्रुवों पर अधिकतम होगा, सभी जगह एक जैसा होगा, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो समझो बॉडी वेट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको पता है सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, उसमें से पृथ्वी एक ग्रह है जिस पे हम लोग रहते हैं। अब पृथ्वी क्या कर रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है जिसको जी बोलते हैं, ग्रेविटी। तो पृथ्वी की ग्रेविटी जिस तरीके से हमको नीचे की ओर खींचती है ना, तो उससे हमारा भार भार हमें महसूस होता है कि भाई कितना हम, हमारी ग्रेविटी पृथ्वी की कितनी है तो भार महसूस होता है। लेकिन एक चीज़ होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान ध्यान रखेंगे, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, कभी-कभी इनमें डिफरेंस पूछ देता है। तो द्रव्यमान मतलब हम किन-किन चीज़ों से मिलके बने हैं, मैं किन-किन चीज़ों से मिलके बना हूँ तो वो मेरा द्रव्यमान होगा। लेकिन मेरा वेट, अभी मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरा वेट कितना है, बॉडी वेट, मैं यहाँ से कहीं और जाता हूँ, मान के चलो मैं चंद्रमा पे चला गया तो चंद्रमा पे मेरा बॉडी वेट जो है वो कम हो जाएगा लेकिन मेरा द्रव्यमान सेम रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है लेकिन वस्तु का भार जो है वो समय स्थिति के साथ बदलता रहता है। यहाँ पे है पृथ्वी पे जाओगे तो 1/6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई 60 किलो की चीज़ है पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी पर कोई 60 किलो की चीज़ है तो चंद्रमा पे जाके वो 10 किलो की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मतलब वहाँ पे वेट कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे की ग्रेविटी कम है। तो अब पृथ्वी पे भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बॉडी वेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है। अगर आप इक्वेटर के पास हो, मतलब आप भूमध्य रेखा पे हो, तो आपका बॉडी वेट कम होगा, लेकिन जैसे ही आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि ध्रुवों पर क्या हुआ है, पृथ्वी वहाँ से थोड़ी चपटी है और वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है। अब जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा उतना ज़्यादा आपका बॉडी वेट होगा, ध्यान रखेंगे इस सवाल को। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बारिश की बूंदों का गोल होना किस किसका उदाहरण है? भाई बताओ बारिश की बूंदों का गोल होना किसका उदाहरण है? सीधा सिंपल सा सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, बिल्कुल रट लो, सवाल आ जाएगा बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव उत्तर लगा देना। संयनता मतलब गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी जिसके कारण कोई तरल जो है वो बहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर फ्लो कर रहा है तो वो विस्कोसिटी होती है। शहद जो होती है वो गाढ़ी होती है, मतलब ज़्यादा संयनता होती है। पानी जो है वो पतला होता है, मतलब कम संयनता होती है, ध्यान रखेंगे। वायु दाब आपको पता ही है, वायुमंडल में गैसों के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। घनत्व मतलब किस पदार्थ में, किसी तत्व में कौन कौन से चीज़ें हैं घनत्व। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? फटाफट रिवाइज़ करेंगे, 20 मिनट से के आसपास समय हो गया है हमको, सवाल ख़त्म करने, 20 से 25 मिनट में रिवाइज़ करना है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान रखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर।
दो तीन बार ये सवाल आ चुका है तो पूछ देगा, तो सीधा सा इसका उत्तर आप लोग कर देंगे। आगे चल लेते हैं। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने पर कौन सी घटना होगी? अब देखो बैरोमीटर, सबसे पहले तो इस सवाल को बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बैरोमीटर एक्चुअल में करता क्या है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, ध्यान रखेंगे। बैरोमीटर क्या करता है? वायु दाब को मापता है। अब मान के चलो बैरोमीटर है, ऐसे बना लेता हूँ, ये मान के चलो बैरोमीटर है, इसमें ये स्केल है, ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, फाइव है। अब यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे मान के चलो रीडिंग यहाँ पे बता रहा है, एकदम से इसमें गिरावट आ जाए तो क्या हो सकता है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि वायु दाब जो है वो कम हो गया, मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे मैंने बैरोमीटर से नापा कि वायु दाब कितना है, कितने मिली बार है, और एकदम से रीडिंग कम हो गई, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, वायु दाब कम हो गया। तो अब जो यहाँ पे हाई प्रेशर है आसपास, जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, जो इसके चारों तरफ, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ की हवाएं यहाँ की ओर तेजी से आएंगी, ठीक है भाई, वही तो होगा, लो प्रेशर जहाँ क्रिएट होगा वहाँ पे जगह खाली हो गई, तो वहाँ पे कोई चीज़ आएगी, हवाएं आएंगी, तो यहाँ पे एकदम आपको तूफान देखने को मिल जाएगा कि भाई इस क्षेत्र में एकदम हवाएं तेज़ी से आएंगी, तो तूफानी मौसम हमको देखने को मिल जाएगा। अगर बैरोमीटर में एकाएक गिरावट हो जाती है तो उस एरिए में तूफान आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लू आपको पता है गर्म पवन है, शीत मौसम उष्ण मौसम, ज्योग्राफी में आप देख लेना। अब आते हैं अगले सवाल पे। महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन निम्न से किसका प्रयोग किया? इस सवाल में आपको तीन सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, सबसे पहले हिस्ट्री का, दूसरी चीज़ आपको साइंस का, और साइंस में भी केमिस्ट्री का। भाई महात्मा गांधी ने अगर कोई आंदोलन किया है तो कौन सा आंदोलन किया है? पहले तो महात्मा गांधी के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उनने कोई चीज़ यूज़ की होगी उस आंदोलन में, तो उसका भी इनने क्या पूछ लिया है, उसका भी इनने वो पूछ लिया है अपना, इसको क्या होगा, ठीक है, महात्मा गांधी ने अगर कोई आंदोलन किया है तो कौन सा, तब सबसे पहले इसमें याद रखेंगे, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था 1930 में, ठीक है, कौन सा आंदोलन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसमें गांधी जी ने दांडी से लेकर साबरमती तक यात्रा करी थी और नमक कानून को तोड़ा था। क्या करा था भाई? नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। अब अगर इन्हें नमक कानून को तोड़ा है तो मतलब इन्हें नमक का प्रयोग किया है। अब सिर्फ इतने नॉलेज से भी आपका काम नहीं चलेगा, अब आपको पता होना चाहिए कि नमक को रासायनिक नाम क्या है, मतलब नमक को बहुत सारे लोगों को पता होता है कि NaCl बोलते हैं नमक को, लेकिन NaCl मतलब क्या? तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसमें नमक कानून तोड़ा था, उन्होंने टोटल 22 दिन की यात्रा करी थी, जिसमें उन्होंने दांडी से लेकर साबरमती तक अपने अनुयायियों के साथ गए थे, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? सीधा फैक्ट है, सीधा उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं। फिर ऑप्शन बी है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं, आपको पता ही होगा। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, इनका बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, तो वो आप बुक में देख लेना, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट सवाल है, ख़त्म हो गया क्या? ठीक है, तो मैंने अभी आपको लगभग 25 मिनट के आसपास, समय हुआ हुआ, मैंने लगभग साइंस के बहुत सारे फैक्ट रिवाइज़ करवा दिए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को एक बार शुरू से लेकर एंड तक 2 की स्पीड में देख लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। हमारा उद्देश्य है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकालना। अब बहुत सारे लोग लगेंगे कि भैया ये क्यों इम्पॉर्टेंट है या क्यों पढ़ें, क्योंकि पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। एक बार सीरीज़ को देखें, दिमाग में बिठाएं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देने जाएं 21 मई को, और उसके बाद इनमें से अगर आपको सवाल मिल जाते हैं तो आपके सवाल सही होने चाहिए। अगली सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 7 का, उसको लेके आएंगे। अभी हमने विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से लगभग बहुत सारे सवाल इसमें कर लिए हैं, ठीक है, और आप उसको ध्यान रखेंगे। हमने ये टेबल पढ़ी, टेबल में हमने कुछ सिद्धांत देखे, उसके पहले हमने ये एसिड देखे, और एसिड मैंने आपको एसिड पढ़ा दिए, सिद्धांत पढ़ा दिए, और कुछ लगभग 10 के आसपास ऑब्जेक्ट करवा दिए हैं। तो आप रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें। यूनिट 7 में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन अगर आप सही रणनीति और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के चलते हैं,
तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर यूनिट 7 से ला सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए आपको पता है एमपी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लगभग 38 क्वेश्चन पिछली बार आए थे 2020 के प्रीलिम्स में। यूनिट 10 आयोग अच्छे से रखिए, यूनिट 9 अच्छे से करिए, यूनिट 7 अच्छे से करिए। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट तो आप करते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। ध्यान रखिए तब तक अपना। ठीक है, धन्यवाद। हेलो।